दो तीन दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद पर्याप्त नमी को देखते हुए कुस्मानिया क्षेत्र में किसानों ने सोयाबीन की बोनी शुरू कर दी। हालांकि ये बोनी इस बार जल्दी शुरू हो गई। वहीं किसान ट्रैक्टर से बोनी करने में जुटे हैं। किसानों को ऐसा डर है कि कहीं लगातार बारिश होने से उनकी बोनी न हो पाए। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह बोनी के लिए समय अनुकूल नहीं है। जानकारी के अनुसार कुस्मानिया क्षेत्र में ग्राम बिलाई मुहाई सहित अन्य गाँव के किसानों ने सोयाबीन की बोनी शुरू कर दी है। इस संबंध में कृषि विभाग के अनुभवी अधिकारी आर के वर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में निसर्ग तूफान के कारण प्री मानसून जैसी क्षेत्र में बारिश हुई, वहीं पर्याप्त पानी होने की वजह से कई कई किसानों ने खरीफ की बोनी शुरू कर दी, जबकि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि बोनी के पश्चात लगातार बारिश नहीं होती है तो वातावरण में गर्मी उत्पन्न होगी, जिसके कारण सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों में जड़ सड़न जैसे रोगों का प्रकोप भी बढ़ेगा। बता दें कि कन्नौज क्षेत्र में 25 जून के आसपास बोनी होती है। न्यूज़ इंडिया एनआईएन से सुरेंद्र बिजवाड़, दीपक शर्मा की रिपोर्ट।